ग्रामीण पुलिस ने सोना और चांदी के जेवर समेत लाखों रुपए की बरामदगी के साथ कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हुगली आरामबाग उपखंड के तहत खानाकुल और गौघाट में लगातार स्वर्ण की दुकानों में चोरी होने के कारण पुलिस की नींद हराम हो रखी थी। हाल ही में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से चोरी हुए 500 ग्राम गोल्ड, 1.5 किलो सिल्वर, 16 लाख की नकदी समेत कई अग्नि शस्त्र बरामद किए हैं। हुगली पुलिस सुपर अमनदीप ने आज एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि लगातार दुकानों में हो रही चोरी को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने सक्रिय होकर आरोपियों की तलाश कर रही थी। सूत्रों के हवाले से पुलिस ने सुराग ढूंढ निकाला और 5 लोगों को आरामबाग के 13 नंबर वार्ड से गिरफ्तार कर सफलता हासिल की। इनसे पूछताछ कर इनके अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। इनके पास से चोरी हुए स्वर्ण आभूषण और नकली नकदी भी बरामद की गई। इन सभी के तार उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। इस अभियान में एसपी के साथ आरामबाग आईसी वरुण घोष, गौघाट ओसी अनिल राज भी उपस्थित थे। परसों 25 तारीख हमारे पास थाना में आरामबाग थाना में खबर आया कि आरामबाग एरिया में कुछ सस्पिशियस लोग रह रहे हैं वहाँ पे। तो हम लोग का टीम एसपी साहब, आईसी साहब थाना गए, बाकी ऑफिसर फोर्स सिविल ड्यूटी वहाँ पे गए। वहाँ पे हम लोगों ने कुछ लोग को पकड़ा, उनको पकड़ने का पता लगा वहाँ पे और भी कुछ एक और घर में कुछ लोग रह रहे हैं, तो वहाँ से कुछ और लोग को भी अरेस्ट किया गया। टोटल अभी तक हमने 14 लोग को अरेस्ट किया, जिसमें 3 महिलाएँ हैं। 14 लोगों में से हमने 10 लोग को पुलिस कस्टडी में लिया है और उसके अभी तक हम उनसे 4 हमें हथियार बरामद हुए, 36 एमुनिशन, 1,60,000 रुपये नगद कैश, लगभग आधा किलो सोना, लगभग 1.5 किलो चांदी, ये सब अभी तक रिकवर हुआ है। इसके अलावा वो जिस चीज़ को लेके क्राइम करते थे यहाँ पर, वो सब कटिंग मटेरियल इक्विपमेंट हमें काफ़ी सारा चीज़ हुआ है। इलेक्ट्रिक कटर यूज़ करके ये लोग वॉल्ट को काटते थे, तो अभी तक ये सब हम रिकवरी कर पाए हैं। तो इन लोगों को, 10 लोग को जिनको कस्टडी में लिया है, हम आशा करते हैं कि कस्टडी का टाइम हम कुछ और कुछ इनसे रिकवरी वगैरह कर पाएंगे। प्लस अगर किसी लोकल लोग का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहा होगा तो उसको आशा करते हैं कि उसको भी उनके कस्टडी टाइम में हम लोग अरेस्ट कर पाएंगे। जो 14 लोग हैं, सब के सब लोग यूपी के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के। यहाँ पे ये लोग जनवरी के शुरुआत में यहाँ पे आरामबाग में रहने आए थे। ये लोग बोलते थे कि ये लोग कुर्सी बिक्री करते हैं, कुर्सी विक्रेता है। तो हमारे लोकल जो विलेज पुलिस लोग के पास इन्फॉर्मेशन आया कि कुछ इनकी एक्टिविटी ठीक नहीं है, तो उसके बेसिस पे थाना में उन्होंने बताया। तो फिर इवेंचुअली हमारे एसडीपी साहब के नेतृत्व में हमारी टीम गया और इन लोग को पकड़ा पाते और ये सब कुछ रिकवरी कर पाए हम फिर।